हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसी सीरीज सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो आप जैसा कि आपको मालूम है और ऑलरेडी एसी सीरीज सर्किट के लेक्चर जो है चैनल पे अवेलेबल हैं, आज हम लोग इसको एक जैसे कहते हैं शॉर्ट रिव्यू के टाइप में हम लोग इसको तेजी से जो एसी सीरीज सर्किट होते हैं उसके बारे में वन बाय वन करके बात करेंगे। तो एसी सीरीज सर्किट का मतलब आपको मालूम है कि जब भी आर एल रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज में लगे होते हैं, चाहे आरएल लगे होते हैं, चाहे आरसी लगा होता है, चाहे एलसी लगा होता है, चाहे सीरीज आरएलसी होता है, पैरेलल आरएलसी सर्किट होता है, ये सब सारे जो होते हैं दे आर कॉल्ड एसी सीरीज सर्किट। एसी सीरीज सर्किट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं आरएल सर्किट, आरएल सर्किट। देखिए आरएल सर्किट में क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे सर्किट बनाया, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये इंडक्टेंस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया वी, तो ये आपका सीरीज आरएल सर्किट हो गया, ठीक। अब इसमें हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये हो गया आर, ये हो गया एल, अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो गया वी आर, ठीक है, और सिमिलरली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो गया वी एल, ठीक है। अब इसमें हमें मालूम है कि वी आर कितना होगा, यहीं पे हम लिख देते हैं वी आर इक्वल टू हो गया आई इंटू आर, यहाँ पे आई ये करंट है सीरीज में, और वी एल कितना हो जाएगा, वी एल इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्स एल। हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट में ही सारी चीजें समराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये तो सीरीज आर एल सी सर्किट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो अगर हम इम्पिडेंस की बात करें तो इसका जो इम्पिडेंस होता है मॉड ऑफ इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पे हमें मालूम है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, तो ये एक्सएल होता है, ठीक। करंट की हम बात करें तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वी अपॉन मॉड ऑफ जेड, यानी एक तरह से हो गया आपका वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। और एंगल ऑफ लैगिंग, और देखिए आरएल में आपको मालूम है कि करंट लैग करती है, जहाँ पे भी इंडक्टर है इसका मतलब करंट लैग करती है वोल्टेज से, और कितना लैग करती है, तो एंगल ऑफ लैग फाई इक्वल टू आप निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स आर बाई जेड, ये एक तरह से एंगल ऑफ लैग हो गया, ठीक है। अब पावर फैक्टर, तो इन दिस सर्किट पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, पावर फैक्टर ये इक्वल टू होता है कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी आर बाई जेड, ठीक है। इसी को हम ये भी ले सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो गया ट्रू पावर और डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, ठीक है, यानी कि ट्रू पावर हो गया डब्ल्यू और एपरेंट पावर हो गया आपका वोल्ट एम्पियर वी इंटू ए, इससे आपका पावर फैक्टर निकल आएगा, क्लियर। अब पावर कंज्यूम्ड इज एक्सप्रेस्ड एज, अब पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, पावर कंज्यूम्ड, तो ये पी इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, ये हो जाएगा आपका पावर कंज्यूम्ड, यानी वी को आप क्या लिख सकते हैं, वी को आप आई इंटू जेड लिख सकते हैं, इंटू आई को आप क्या लिख सकते हैं, आई को आप आई रहने दीजिए, और कॉस फाई को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई को आप लिख सकते हैं आर बाई जेड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आई स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक।
ठीक, तो ये हो गया आपका पावर कंज्यूम। अब इसके अगर हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करें तो देखिए ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया सर्किट डायग्राम आरएल सर्किट का। उसके बाद अगर वेव फॉर्म हम ड्रॉ करें तो इसकी वेव फॉर्म जो आएगी वो इस तरह आएगी कि मान लीजिए हमने कहा ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब वी मान लीजिए आया हमारा इस तरह, ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये है वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो अब जो करंट होगी, करंट कितना लैग कर रही है, फाई। तो अब आप यहां से फाई लैग कराइए, ठीक है। तो मान लीजिए ये आ गया आपका, सपोज कीजिए हमने यहाँ से करंट ड्रॉ करते हैं, इस तरह। तो ये जो डिफरेंस आया दिस इज फाई, ये जो एंगल है ये आ गया फाई, और ये करंट की इक्वेशन आ जाएगी हमारी आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि करंट लैग कर रही है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका आरएल सर्किट, ये हो गया वोल्टेज और करंट आरएल सर्किट में। फेजर डायग्राम आप बनाएंगे आरएल सर्किट का, तो फेजर डायग्राम आपका आरएल सर्किट का इस तरह आएगा। मान लीजिए ये आपने बनाया, ये तो हो गया वी आर, दिस इज वी आर, यानी वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। ये हो गया वी एल, वी एल हो गया आई इंटू एक्सएल, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये हो जाएगा वी, वी इक्वल टू आई इंटू आर, या आर की बजाय आप इसको लिख सकते हैं आई इंटू जेड। ठीक है, और इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी आई की वो भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, यही डायरेक्शन आई की भी होगी। तो ये आ गया आपका फेजर डायग्राम ऑफ, फेजर डायग्राम ऑफ आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट, ठीक है। अब इसमें एक रह गया इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना। तो देखिए इम्पीडेंस ट्रायंगल आप बनाएंगे तो इम्पीडेंस ट्रायंगल आपका आएगा, ये आपने लिया फाई, ठीक है, ये हो गया आर, ये हो जाएगा एक्सएल, और ये आ जाएगा आपका जेड, ठीक। तो ये हो गया इम्पीडेंस ट्राइंगल, क्लियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर एल सीरीज सर्किट। एक समरी में हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि कितना करंट होता है, कितना वोल्टेज होता है, क्या सर्किट डायग्राम हो गया, वेव फॉर्म को भी ड्रॉ करके आपको बता दिया, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, और इम्पीडेंस ट्राइंगल भी ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से कमिंग वीडियोज में हम लोग सीरीज आर सी सर्किट के लिए, सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए, ठीक है, और वन बाय वन करके सारे जो सीरीज सर्किट आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।